ये देखिए, हमें बिना मेहनत के, बिना झंझट के, बिना आटा गूंदे, बिना आटा लगाए हमें इस फटाफट इसे हम बना सकते हैं। लिक्विड डो पराठा इसे बोलते हैं, वेरी इजीली मसाला पराठा। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बना है ये पराठा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल राधाज रेसिपी। आज की रेसिपी ये बहुत सिंपल, बहुत इजी, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसे, वेरी इजीली स्टेप बाय स्टेप, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। रेसिपी के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप आटा डालूंगी। तो इसे मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, क्रश्ड गार्लिक 3 to 4 आप ले लीजिए। इसमें मैंने 1/4 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 teaspoon, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, इसे मैं अच्छे से एक बार हिला दूंगी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे इसे, थोड़ा थोड़ा सा। इसे थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। बहुत इजी है ये इसे बनाना, इसमें कोई झंझट नहीं है, ना आपको आटा लगाने की ज़रूरत है। क्विकली आप इसे बना सकते हैं एनी टाइम। ट्रेंड में चल रहा है ये, ट्रेंडिंग रेसिपी है, अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारा बैटर तैयार है। मुझे इस बैटर को बनाने में लगभग 1 से 1.5 कप पानी लगा है, इसमें 1.5 कप पानी। देखिए फटाफट ये रेडी हो गया है, अब हम इसे बनाते हैं। इसमें मैं 1 teaspoon ऑयल डालूँगी, 1 teaspoon ऑयल डाला है मैंने, अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। चलिए इसे इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने गैस पे तवा रखा है, फ्राइंग पैन रखा है मैंने, तो पैन में मैं ऑयल्स लगा दूंगी, इसे अच्छे से चारों तरफ से ऑयल लगा दूंगी। देखिए मैंने 2 चम्मच भर के पूरा बैटर डाला है मैंने, इसे हम देखो साइड से होने देंगे, इसे हम 5 मिनट ढक देंगे इसे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा मसाला पराठा, हम इसे पलट देंगे। देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना इसे बनाना, ना कोई झंझट, ना आटा गूंदने की झंझट है, इसे फटाफट आप बना सकते हैं। साइड्स पे थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देंगे। देखिए कितना इजीली फटाफट ये बन गया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी है और खाने में बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनता है एकदम, बिना किसी झंझट के आप इसे बना सकते हैं। बनाना तो बनता ही है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। देखिए देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। देखिए हमें स्लाइटली स्पैचुला से इसे हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार है, चटनी है, सॉस है, उसके साथ भी खा सकते हैं, बच्चे तो इसे सॉस के साथ ही इंजॉय करते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। मैं इसे उतार दूंगी,
इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। देखिए हम इसे हाथों से इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे भी पलटी कर दूंगी सेकंड साइड्स पे। देखिए इतनी अच्छे से पक गया है ना, इसे बहुत बनाना आसान। देखिए साइड से तेल लगा दूंगी। देखिए इसे हम पलट पलट के सेक देंगे इसी तरह से। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत मज़ेदार लगता है ये सिखाने में भी। हम चाहते हैं कि हमें अचानक से भूख लगती है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ इजीली फटाफट बन जाए, क्विकली बन जाए और हम खा ले। तो आप इस रेसिपी को फिर ज़रूर ट्राई करें। और हेल्दी भी है, इसमें हमने वीट फ्लोर यूज़ किया। अगर आप चाहे तो आधा वीट फ्लोर और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजीली है ये बनाना। इसे देखिए इसे हल्का हल्का मैंने प्रेस कर दिया है। देखिए कैसे सिक गए हैं अच्छे से। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे, है ना, फटाफट। इसे ना कोई झंझट, ना गूंथना आटा, बस फटाफट बना लीजिए इसे फटाफट से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मुझे से सीख गए हैं। देखिए कितने जैसे फूल रहे हैं ये, है ना। इसे बनाना इजी। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। मैंने इसी तरह से सारे पैन बना लिए हैं मसाला पराठा बिना किसी झंझट के। देखिए हमारा रेडी है, मैंने सॉस के साथ खाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।